दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। कॉमेडी की दुनिया में एक अलग ही नाम और मुकाम हासिल करने वाले राजू श्रीवास्तव इस वक्त बहुत ही गंभीर हालातों से जूझ रहे हैं और कब क्या हो जाए पर भरोसा नहीं। आपको बता दे, ये जिम कर रहे थे और ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे, अचानक से ही ये नीचे गिर गए और उसके बाद इन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया और तब से इनकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे जिम में एक्सरसाइज करते वक्त राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आ गया? क्या एक्सरसाइज करने से हार्ट अटैक आता है? क्योंकि अगर सिद्धार्थ शुक्ला के केस में देखा जाए तो वो भी अपनी मौत के कुछ घंटों पहले बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अचानक से उन्हें दिल में दर्द उठा और उनकी मौत हो गई। ऐसे में एक्सरसाइज को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब आज मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको देने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहला सवाल तो ये आता है, क्या वर्कआउट करने से हार्ट अटैक होता है? तो दोस्तों, अगर हम वर्कआउट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इतना ही नहीं, इसके ठीक उलट, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपको हार्ट अटैक आने का 50% खतरा है, जिसके बारे में डॉक्टर देवी शेट्टी का कहना है कि एक भारतीय होने के नाते हमें हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यूरोपियन और अमेरिकन से अगर तुलना की जाए तो हम भारतीयों को हार्ट अटैक होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। डॉक्टर देवी शेट्टी हार्ट अटैक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि 40 साल की उम्र के बाद आपको हार्ट अटैक होने का रिस्क वैसे भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो आपको अपने दिल की पूरी जांच करवा लेनी चाहिए, जैसे कि ECG वगैरह, क्योंकि ये जांच बहुत ज्यादा जरूरी होती है ताकि आपके दिल यानी कि हार्ट की स्थिति के बारे में पता लगाया जा सके। अब सवाल फिर से वहीं आकर अटक जाता है कि अगर वर्कआउट से हार्ट अटैक का रिस्क नहीं बढ़ता तो फिर ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि जो लोग वर्कआउट कर रहे हैं उनके साथ इस टाइप की समस्या पाई जाती है? तो दोस्तों, इस बारे में एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें पता चला कि जो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट होता है वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है और एक्स्ट्रा एक्सेसिव वर्कआउट भी आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। अगर देखा जाए तो वर्कआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि वर्कआउट करने से हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज की अति खराब होती है, फिर चाहे वो वर्कआउट ही क्यों ना हो। यहाँ पर आपको समझना होगा कि आपकी बॉडी की क्या क्षमता है, क्योंकि अगर आप द ग्रेट खली जितना वर्कआउट और खाना खाने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए आपको अपनी बॉडी के हिसाब से ही वर्कआउट करना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, आपको वर्कआउट तो करना है, लेकिन जो हाई इंटेंसिटी का एक्सेसिव वर्कआउट होता है आपको उससे बचना है। और अगर दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो दोस्तों, कई सारे अडल्ट का हार्ट रिस्क पर होता है। ऐसे में अगर राजू श्रीवास्तव की बात की जाए तो 58 साल की उम्र तक हो सकता है उन्हें पहले से कोई दिल की बीमारी हो। आपको बता दें, अगर आप पहले से किसी हार्ट डिजीज से जूझ रहे हैं तो आप रिस्क पर हैं। ऐसे में आप अगर कुछ ज्यादा ही वर्कआउट कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए सबसे पहले आप अपनी बॉडी का फुल चेकअप करवा लें, खास तौर पर अपने दिल का। और ऐसे यूं ही करवाने ना चले जाएं, बल्कि पहले खुद को नोटिस करें कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है, जैसे कि आपकी छाती वगैरह में दर्द तो नहीं है या फिर आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लगती है। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपने हार्ट का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और तीसरा अहम पॉइंट है आपकी लाइफस्टाइल, क्योंकि इंसान की लाइफस्टाइल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हैं या आप बाहर से कैसे दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप सिगरेट पीते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही शराब पीते हैं और उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, आप सैचुरेटेड फैट लेते हो और आपको नींद नहीं आती है या फिर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हो, और सबसे बड़ी चीज, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है यानी कि आपके परिवार में भी किसी को डायबिटीज है या फिर किसी को दिल से जुड़ी बीमारी है तो यहाँ पर आप रिस्क पर हैं, जिससे बचने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं की तो आप रिस्क पर हो। इसलिए हार्ट अटैक की मेन वजह वर्कआउट नहीं है। आपको तो वर्कआउट करना चाहिए, लेकिन इसके दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों, पूरा ब्लेम वर्कआउट पर डालना तो सही नहीं है।
अगर आप बहुत ही हाई इंटेंसिटी का वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें आप पानी नहीं पी रहे हो, डाइट नहीं ले रहे हो, तो जाहिर सी बात आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपके शरीर में फुर्ती है और अपने आप को फिट रखने के लिए आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपको अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी हाई करने की जरूरत नहीं है। वर्कआउट डेंजरस नहीं है, ये तो आप समझ गए। लेकिन अब एक और अहम सवाल आता है कि क्या ये प्रोटीन डेंजरस है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता। उल्टा, अगर आप डाइट पर हैं तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, जिसके कई सारे अलग अलग सोर्सेज हैं, जैसे कि अंडा, पनीर, सोया चंक, दाल, ये सब प्रोटीन के सोर्स हैं। ऐसे में आप प्रोटीन के लिए ये सब ले सकते हो, क्योंकि बिना प्रोटीन के बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी। जब आप वर्कआउट करते हो तो मसल्स टूटती है, जिसे रिकवर करने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि प्रोटीन हमारे सिस्टम में डिसॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेता है, और उसी टाइम को काटने के लिए वे प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, पर इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, और इसीलिए अगर कोई ज्यादा मात्रा में वे प्रोटीन खा रहा है तो इससे भी रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे में चीज साफ होती है कि ना ही वर्कआउट से, ना ही प्रोटीन खाने से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप इन चीजों को जरूरत से ज्यादा करेंगे तो आपके लिए खतरनाक तो होगा ही, जिसके कई सारे उदाहरण आप देख चुके हैं। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइए। ऐसे ही शानदार और जानदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।